हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज सुनील। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए इंडेक्स के एनालिसिस की, तो जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको ऑलरेडी पता है कि वीक डेज में हम दोनों इंडेक्स की कंबाइन एनालिसिस करते हैं, क्योंकि जो हमारा गोल रहता है वो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन का रहता है। लेकिन जब बात आ जाती है वीकेंड एनालिसिस की, तो वीकेंड एनालिसिस में हमें पूरे वीक के साथ साथ मंडे का इंट्राडे भी समझना रहता है। इस वजह से हम दोनों इंडेक्स की यहाँ पे सेपरेट एनालिसिस करते हैं। तो ये वीडियो निफ्टी की है, नेक्स्ट वीडियो आपको बैंक निफ्टी की भी डिलीवर कर दी जाएगी। ध्यान से वीडियो में बने रहिएगा, एंड तक पूरे प्रोसेस को मैं क्लियर करूँगा, किस तरीके से मैं चार्ट को रीड करता हूँ, किस तरीके से मैं अपना पूरे वीक का रेंज निकालता हूँ, और फिर उसके ऊपर किस तरीके से मैं धीरे धीरे चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम से रिलेट करता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ, उसके बाद मैं अपना मंडे का इंट्राडे प्लान करता हूँ। तो सारी चीज़ें एक ही वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा, बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो ये निफ्टी की वीडियो है, यहाँ पे मैंने वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट ऑलरेडी लगाया हुआ है। ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। जो कंटिन्यू वीडियोस मेरी देखते हैं उनको पता है कि मैं बार बार आपको एक ही डाटा रीड करा रहा था, कि कहीं पर भी देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पर आपको मैक्सिमम जो कैंडल्स हैं वो 5 रेड कैंडल मिलेंगे। जनरली होता क्या है कि 3 रेड कैंडल आने के बाद आपको एक ग्रीन कैंडल जरूर मिल जाती है। फिर से अगर बहुत मैक्सिमम अगर यहाँ पे होता है तो 50% चांस ये रहते हैं कि एक कैंडल यहाँ पे ग्रीन बन जाएगी। ध्यान से चीज़ों को समझिएगा, 3 कैंडल अगर रेड बन जाती हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, तो 50% का चांस ये हो जाता है कि नेक्स्ट जो कैंडल आएगी वो आएगी ग्रीन कैंडल। लेकिन अगर 4 कैंडल थी, ये चांसेस फिर हो जाते हैं 70% के। लेकिन जब अगर कंटिन्यू 5 रेड कैंडल बन जाती है, उसके बाद बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है कि 99% का चांस हो जाता है कि नेक्स्ट वीक में आपको एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी। यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई। मैं डाटा आपको प्रीवियस अगर बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा तो वीडियो अननेसेसरी लंबा होगा। आप लोग अपना खुद से इफर्ट डालिएगा और निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम पे जाइएगा और वहाँ पे चेक करिएगा कि कहाँ पे 3 कैंडल या 4 कैंडल या 5 कैंडल बनने के बाद कैसा ग्रीन कैंडल आया है कि नहीं आया। अब मैं आपको नेक्स्ट डाटा पॉइंट रीड कराने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे क्लियर देखेंगे कौन सा ट्रेंड था, यहाँ पे एक क्लियर बुलिश ट्रेंड था, उसके बाद वीकली एक रेड कैंडल आई, फिर से बुलिश ट्रेंड, फिर से एक कैंडल ग्रीन रेड, फिर से बुलिश, फिर रेड। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो इस रेड कैंडल का लो, इस रेड कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक नहीं किया। फिर सेम सिनारियो, 2 वीक रेड कैंडल, लेकिन किसी रेड कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक नहीं किया है। लेकिन इंडिकेशन फर्स्ट तभी मिल गया कि मार्केट में एक करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है जब ये कैंडल रेड कैंडल बनी और उसके बाद एक यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल पहले फॉर्म हुई। ये ग्रीन कैंडल देखेंगे तो ये इन्वर्टेड हैमर या इसको आप रिवर्सल कैंडल भी बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इसको शूटिंग स्टार जनरली बोला जाता है, तो शूटिंग स्टार बनी और ग्रीन, तो फिर कंफर्म हो गया। जब एक रेड कैंडल आ गई, इसका लो भी ब्रेक हो गया, तो एकदम क्लियर हो गया कि मार्केट में कुछ टाइम तक पॉज लग सकता है। ये प्रीवियस जो ट्रेंड है बुलिश, इसका कुछ करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। करेक्शन मिला जब ये 5 कैंडल बन गई, तब मैंने क्लियर आपको बता दिया था कि वहाँ पे नेक्स्ट वीक आप एकदम बुलिश रह सकते हैं। और जाके प्रीवियस वीडियो को देखिएगा तो मैंने क्या बताया था कि नेक्स्ट वीक में एक बाइंग साइड का मोमेंटम आपको पूरे वीक देखने को मिल सकता है। लेकिन ट्रेंड क्या है बाइंग साइड का, तो ग्रीन कैंडल आई, इसका हाई निकला, मोमेंटम कंटिन्यू अपसाइड में जा चुका है। दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके। थर्ड कॉन्सेप्ट अब आ जाता है प्राइस एक्शन के बेस पे। यहाँ पे देखेंगे एक हाई लगा, लो लगा, उसके बाद ये प्रीवियस हाई अब निफ्टी ब्रेक कर चुका है। लेवल क्या है, लेवल है 20,000 का। ये लेवल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 20,000 का नेक्स्ट वीक में। और हाई जो लगा है, हाई चेक करेंगे, हाई कितना है निफ्टी का, तो इसका हाई जो लगा है 20,222 का, तो ये लेवल हमारे लिए अपर साइड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आप थोड़ा सा बफर रख के 20,250 का लेवल, और डाउन साइड में आप इस लेवल को कंसीडर करिए 20,000 का, तो नेक्स्ट वीक में आपको ये 200 पॉइंट की रेंज मिल जाती है। अगर मैं इस वीकली कैंडल को लो को कंसीडर करूँ तो सबसे ज़्यादा बेटर होगा, और इस वीकली कैंडल के हाई लो पर हम अपना
इंट्राडे प्लान कर सकते हैं। 19,865 का इसका लो है और 20,222 का इसका हाई है। तो यहां तक चीजें क्लियर हो, बस अब इसी कैंडल को हम मार्क कर लेंगे और सारी चीजें हम अब यहां पे प्लान करना स्टार्ट कर देंगे। ध्यान से चीजों को समझिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। इसी तरीके से मैं चार्ट को रीड करता हूं और उसके बाद मैं अपना ट्रेड प्लान करता हूं। अब हमें कुछ करना नहीं है जनरली यहां पे, अब क्या करना है, अब यहां पे हम इसको मार्क कर लेंगे, इस हाई और लो को मार्क करेंगे। और मार्क करने के बाद ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, बस हम इसी वीकली कैंडल के हाई और लो को मार्क कर लेंगे तो हमारा यहां पे वीकली रेंज भी मिल जाएगी और इसी को हम धीरे धीरे टाइम फ्रेम को छोटा करते चलेंगे और आपको फिर पूरा किस तरीके से चार्ट रीड किया जाता है वो सारी चीजें आपको यहां पे क्लियर पता चल जाएंगी। अब वीकली टाइम फ्रेम क्लियर हो गया, डाउन साइड का लेवल 19,865 का और अपर साइड का आप इसको 19,850 मान लीजिए और अपर साइड में आप 19,230 दिख रहा है तो आप इसको 19,250, ओवरऑल 400 पॉइंट के रेंज आपको मिल रही है नेक्स्ट वीक में। तो अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं तो पूरी रेंज को इजिली सेल कर सकते हैं और तो नेक्स्ट वीक में चांसेस आर बेरी है कि मार्केट इसी रेंज में बना रह सकता है। तो डाउन साइड में 19,850 की आपको पुट शॉर्ट कर चाहे तो कर सकते हैं और अपर साइड में 20,250 और 20,300 की कॉल को शॉर्ट करके इजीली आप यहां पे थीटा डीके का इंपैक्ट, थीटा डीके का बेनिफिट उठा सकते हैं। अब इसको हम टाइम फ्रेम को स्विच करेंगे, डेली टाइम फ्रेम मिल जाता है हमें। अब डेली टाइम फ्रेम पे भी हमें क्या रेंज मिल जा रही है, हमें यहां पे एक स्विंग मिल रहा है, हम थोड़ा सा लाइन को इसको और ज़्यादा लाइन अप कर देंगे तो हमें क्लियर एक मूव मिल जाएगा और यहाँ पे एक जोन मुझको दिख रहा है तो इस जोन को हम पूरा पूरा मार्क कर लेंगे। तो अपर साइड में लेवल हमको मिल जा रहा है 19,915 का और डाउन साइड तो 19,850 से लेके 19,900, ये जोन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो हाई लगा था प्रीवियस फ्राइडे का वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए ये ओवरऑल 400 पॉइंट की रेंज मिल जाती है वीकली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वहां पे मैंने वीकली कैंडल का हाई लो मार्क किया और यहां पे मैंने जैसे ही डेली टाइम फ्रेम पे इसको कन्वर्ट किया है, चीजें आपको इजीली मिल गई, हाई मिल गया, लो मिल गया, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा आवर्ली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करते हैं तो डाटा हमें और भी क्लियर मिल जाएगा। अब ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, हमें यहाँ पे एक लो मिल जाता है, हम इसको मार्क कर लेते हैं। देखिएगा किस तरीके से हम यहाँ पे लो और हाई की कैलकुलेशन पे अपना पूरा प्लान यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे रेंज हमें छोटी होती चली गई, बस हमको कुछ करना नहीं है, लेवल को मार्क करना है और उसी लेवल को हमें ट्रेड करना है। अब देखेंगे ध्यान से हुआ क्या कि यहाँ पे हुआ क्या कि हमने इस लेवल को मार्क कर लिया, अब सारे लेवल्स हमारे फाइंड आउट हो चुके हैं। यहां पे वीकली टाइम फ्रेम पे हमने रेंज फाइंड किया कि हमें 400 पॉइंट की रेंज इजीली मिल रही है और जैसे ही टाइम फ्रेम हम छोटा किए हमें और भी डाटा यहां पे अवेलेबल हो चुका है। तो यहां पे अगर देखेंगे तो बुलिश सेंटीमेंट कंटिन्यू है। अब ये इनवैलिड कब होगा, फॉर्मेशन हाई लो की फॉर्मेशन है, हाई लगा, लो लगा, फिर से हाई लगा। अब इस लो को यहां पे देखेंगे, प्राइस एक बार लो लगा के फिर से ऊपर गया तो इस लो को ब्रेक करता है। तो मंडे के दिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो होता है हो जाता है 20,140 का लेवल हो जाता है डाउन साइड में और अपर साइड में आपका लेवल हो जाता है 20,230 का। अब इसी लेवल पे हमारा इंट्राडे प्लान हो जाता है तो ओवरऑल जो रेंज हमें मिल रही है वो कितने पॉइंट की, 90 पॉइंट की रेंज हमें मंडे की मिल रही है। देखेंगे तो मंडे की रेंज भी हमें मिल चुकी है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम अपर साइड पे हमारे लिए 30 पॉइंट का रूम अपर साइड में मिल जाएगा, जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हमारा होगा 20,300 का। अगर ये डाउन साइड में लेवल ब्रेक करता है 20,135-140 के नीचे, आप 5 पॉइंट का बफर रख लीजिए, 20,135 के नीचे प्राइस आता है तो फिर नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो आपका होगा 20,050 का और फिर 20,050 ब्रेक करता है तो आपको 19,950 तक के भी टारगेट इजीली देखने को मिल सकते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपकी नज़र इस पर्टिकुलर लेवल पे होनी चाहिए डाउन साइड में, 19,870 से 19,950, ये जोन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये प्राइस अगर डाउन साइड भी आता है तो आपको वीकली टाइम फ्रेम पर क्या मिलेगा, एक पुलबैक मिलेगा,
ग्रीन कैंडल बनी है, तो हो सकता है एक पुल बैक लेके फिर से प्राइस ऊपर जाए। तो इस तरीके से सेंटीमेंट को, चार्ट को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, कैसे बड़े टाइम फ्रेम से एक व्यू लेके आया जाता है छोटे टाइम फ्रेम से, फिर उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे, तो धीरे धीरे हमको मंडे का इंट्राडे प्लान हो जाता है। अब इस चार्ट को हम और छोटा करते हैं तो हमको और भी ज़्यादा एग्जैक्ट डाटा पॉइंट मिल जाएगा कि अगर एग्रेसिव होगा तो हम देखिए, अगर एक आप एग्रेसिव ऑप्शन ट्रेडर हैं या ऑप्शन सेलर हैं तो उसके लिए अलग प्लान है, मैं आपको बताता हूं। लेकिन आप एक डायरेक्शनल ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर हैं तो आपको यही रेंज का हाई और यही रेंज का लो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो करना क्या होगा, मंडे के दिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है 20,140 से लेके 20,220 के बीच में, तो ये लेवल वैलिड रहेंगे, एज इट इज वैलिड रहेंगे, और आपको बेट करना है 20,030 क्रॉस करता है, 230 क्रॉस करता है तो आपको बाइंग प्लान करना चाहिए। लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आउट हो चुका है तो बाइंग साइड में आपकी क्वांटिटी कम हो जानी चाहिए। ट्रेंड को आप फॉलो करिए, विद द ट्रेंड रहिए, मार्केट का ऑल ओवर ट्रेंड बुलिश है। तो अगर बाइंग साइड का ट्रेड मिलता है तो आप बुलिश साइड में प्लान करिए, लेकिन वहाँ पर क्वांटिटी कम कर दीजिए। एक अच्छा ट्रेड आपको तभी मिलेगा जब इस पूरी इंपल्स का एक पुल बैक आ जाए, तब आपको एक बढ़िया मूव देखने को अपर साइड में मिलेगा। होप आपको ये एडवांस पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। अगर डाउनसाइड का ट्रेड मिलता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो उस पर्टिकुलर जगह पे भी आपको क्वांटिटी कम कर देना चाहिए, क्योंकि मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मस्ट है। तो अगर डाउनसाइड का भी ट्रेड मिलता है तो आपको वहाँ पे क्वांटिटी कम कर देना चाहिए। तो 20,135 के नीचे आप इसको सेल तो करेंगे, लेकिन वहाँ पे आपकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। 20,135 के नीचे आप सेल करते हैं तो हो सकता है आपको ये गैप फिल होते हुए देखने को मिलेगा। तो जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हो जाएगा आपका 20,090 का फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट आपको जो मिलेगा वो 20,050 तक का टारगेट। आपको दो टारगेट इजीली मिल जाएगा जब फ्लैट ओपन होगा। इन केस अगर कोई बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो उस सिनारियों में आपको 30 मिनट की रेंज का हाई और लो मार्क कर लेना है, और उस 30 मिनट की रेंज का हाई और लो ब्रेक होता है तब आपको वहाँ पे प्लान करना चाहिए। अब सेकंड सिनारियो आ जाता है गैप डाउन। गैप डाउन के भी सिनारियो में आपको सेम सिनारियो फॉलो करना है कि गैप डाउन अगर प्राइस ओपन होता है तो वहाँ पे बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, माइनर सा गैप डाउन ओपन होता है, तो पता है आपको कि 10-20 पॉइंट के गैप डाउन से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेवल एज इट इज़ वैलिड रहेंगे। लेकिन अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो उस सिनारियो में किसी भी सिनारियो की वजह से अगर ये बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो उस पे भी आपको 30 मिनट की रेंज फॉलो करना, हाई लो ब्रेक होता है तब आप सेल करेंगे। अगर आप एक एग्रेसिव प्लेयर हैं तो आपको कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन देखना होगा कि प्राइस लो लगाए, हाई लगाए, फिर से इस तरीके से ब्रेक करे, या तो प्राइस हो सकता है गैप डाउन ओपन होने के बाद हाई लगाए, फिर से लो लगाए, फिर हाई लगाए, प्रीवियस हाई को ब्रेक ना कर पाए और इस लो को ब्रेक कर दे। तो दोनों सिनारियों में देखिए, गैप डाउन या गैप अप ओपन होने के बाद दो ही कंडीशन बनती है। गैप डाउन ओपन होगा तो या तो प्राइस लो मारेगा या तो प्राइस हाई मारेगा। तो हाई मारेगा तो कुछ आपको इस तरीके का पैटर्न का वेट करना है, और लो मारेगा तो कुछ इस तरीके का पैटर्न का वेट करना है। जब ये लो ब्रेक होगा तब आप यहाँ पर सेल करिएगा, अदरवाइज हो सकता है इस तरीके का पैटर्न बन जाए तो आपको रिवर्सल भी प्लान करने को मिल सकता है। तो यहाँ से आप बाइंग साइड का भी प्लान कर सकते हो। होप ये एडवांस पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। सेम सिनारियो में अगर गैप अप ओपन होता है तो प्राइस, मान लीजिए गैप अप ओपन हुआ, तो हो सकता है गैप अप ओपन होने के बाद प्राइस लोअर लोज लगाते हुए सपोर्ट पे आए, तब आपको वहां से बाइंग का एक व्यू रखना चाहिए कि यहां से एक कोई रिवर्सल मिलता है, बाइंग करते हैं। सेकंड सिनारियो हो सकता है कि प्राइस गैप अप तो ओपन हो लेकिन अपसाइड सस्टेन कर जाए और उसके बाद फिर से लो लगाए और फिर हाई लगाए, इस हाई को निकाले तो आप बाय करेंगे, लेकिन इस लो को निकाल दे, अगर इसको ब्रेक कर दे तो आप वहां पर सेल कर सकते हैं। होप आपको ये एडवांस पॉइंट क्लियर हो चुका होगा फ्रेंड्स। तो ध्यान से चीज़ों को प्ले करिएगा, जिस हिसाब से मार्केट की कंडीशन है, जिस हिसाब से मार्केट मूव रहेगा, मैंने सारे सिनारियोज बता दिए, इंपॉर्टेंट लेवल सारे बता दिए, वीकली टाइम फ्रेम पे क्या रेंज मिल रही है 400 पॉइंट की, डेली टाइम फ्रेम पे भी 400 पॉइंट की, लेकिन जैसे ही अवर्ली टाइम फ्रेम पे हम चार्ट को कन्वर्ट किए तो हमें वहाँ पे रेंज जो मिल जाती है वो 90 पॉइंट की रेंज मिल जाती है, जिसपे हम मंडे का इंट्राडे प्लान कर सकते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग आप प्ले करिएगा जिस हिसाब से मार्केट का मोमेंटम रहेगा। होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी फ्रेंड्स।
तो अभी तक आप लोग वीडियो में बने हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके से लर्निंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपसे मिस ना हो। और चार्ट को जितना ज़्यादा रीड करेंगे आपको उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, जब कॉन्फिडेंस आएगा तब आप मार्केट में ईजिली प्रॉफिट कर पाएंगे। देखिए एक ट्रेडर अपने बिलीव को अपने कॉन्फिडेंस को ट्रेड करता है, जब तक आपको अपने सेटअप पर बिलीव नहीं रहेगा तब तक आपको डाउट होता रहेगा, आप छोटे से प्रॉफिट लेंगे और बड़ा लॉस लेके मार्केट में बैठे रहेंगे। तो चीज़ों को समझिए, उसी अकॉर्डिंग प्ले करिए। तो इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।